ट्रेन छूटने वाली है। ओहो बहुत हाई टेंशन वाला जगह है ये। इसका कॉकपिट भी है देखो, इतने बड़े बड़े ब्लेड रहते हैं। देखो निकल रहे हैं होटल से अभी गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी कल मैं शाम को छोड़ दिया था सर्विस सेंटर में, यहाँ से 4-5 किलोमीटर में है। तो आज मोटर लॉगिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो सब गाइस कैसे हो, हेलो नमस्ते जय जोहार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम विशाखापट्टनम। यहाँ से मोड़ना अपनी गाड़ी, यहाँ पे सर्विस हो रही है तो अभी इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं। मोटूल कटवा रहा हूँ, वरुण बजाज गाजुआ का, विशाखापट्टनम। वो बीच वाले से लगा, कहाँ लगवाया? वो मैंने मुंबई से लिया था। मुंबई से लिया है, बीच में है क्या? ये काम हुआ है गाड़ी में और इतने का बिल बना है समथिंग। काम काफी अच्छा रहा यहाँ पे, सर्विस ठीक ठाक हुआ है। थैंक यू सर। तो अपनी गाड़ी हो चुकी है पूरी तरह से सर्विस। इसको साफ नहीं किया क्या? इंजन ऑयल भी चेंज कर लिया, ये भी टॉप अप कर लिया। कूलेंट का इशू ऐसा है कि वो जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक दिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए गैस किट वगैरह जो है इंजन ऑयल से जो भी जो पास होता है क्या क्या चीज़ है उसको देखना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मेन चीज़ था इंजन ऑयल चेंज कराना, ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर चेंज कराना, जो कि हमने करा लिया है। ओह साउंड्स नाइस। ओके सर। कैमरा या I record when I travel. Upload in YouTube channel. Okay, thank you. अच्छा था यहाँ पे सर्विस वाले अच्छे थे। यहाँ से कैलाशगिरी 27 किलोमीटर है। मैं ग्लव्स लाना भूल गया यार, गड़बड़ हो जाएगा आज तो, पूरा कचरा हो जाएगा मेरा हाथ। देखो इतने सारे सोलार पैनल। अभी जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं वो पोर्ट है, बंदरगाह है विशाखापट्टनम का। इधर पूरा कार्गो प्लेन्स भी आते हैं, एयरपोर्ट भी आ गई है, रेलवे स्टेशन भी आ गई है। और यहाँ पे स्पीड लिमिट है भाई, 60 के ऊपर चलाना नहीं है। 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र। और देखो प्लेन, चार्टर्ड प्लेन डिगो है ना हमारे। वो है समुद्र है इसलिए ठंडी ठंडी लग रही है। हॉलीवुड ऑफ तेलुगु मूवी कैलाशगिरी। हाँ घाट सेक्शन है ये ऊपर चढ़ने के लिए। ग्रीन टॉप बोलते हैं इस जगह को, और ये विशाखापट्टनम के सबसे टॉप में है। यहाँ से पूरा विशाखापट्टनम दिखता है, पूरा सी बीच दिखता है। उधर आप देखेंगे ना तो आपको सीप चलते हुए दिख जाएगा, नज़र आएगा। अभी ऊपर चलते हैं, आपको व्यू पॉइंट से दिखाते हैं ऊपर से नज़ारा। अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क है अपनी गाड़ी मतलब दोनों की। पकड़े पकड़े घूमना, सर दर्द। टॉप बॉक्स लगाए रहते तो नहीं लगता, मैं छोड़ के चले जाता इसमें। और ये ब्यूटीफुल सा गेट बना हुआ है। ये जो जगह है ना यहाँ पे बहुत सारे मतलब बच्चों के खेलने वाले के लिए झूले वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पे, अच्छा है। पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं। पानी वानी की व्यवस्था भी है, ठीक ठाक है ना। थोड़ा हैवी है सामान और कुछ नहीं। यहाँ पर ट्राईपॉड अलाउ नहीं है, ट्राईपॉड विथ कैमरा, कैमरा ला सकते हो बट ट्राईपॉड अलाउ नहीं है, स्टैंड अलाउ नहीं है मीन्स। और कुछ खाने के लिए रुके और यहाँ पे मस्त बंगाली गाना चल रहा है। कैलाशगिरी इसलिए फेमस है, भगवान महादेव शंकर भगवान और पार्वती का बड़ा सा स्टैचू बना है हिल टॉप पे। यहाँ पे लगभग 3 लाख से ज़्यादा ऑन एन एवरेज यहाँ पे विजिटर्स आते रहते हैं। तो इस जगह को पूरा प्लास्टिक जोन फ्री जोन बनाया गया है। यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ बैन है, तो प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते,
प्लांट ट्री ग्रीन इन्वायरमेंट ऐसा कुछ यहाँ का वो है स्लोगन, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं ऐसा करके यहाँ पे बोला भी जाता है। तो इस जगह पे ये है खास मेन अट्रैक्शन, यही है हिल टॉप है, इस वजह से यहाँ से देखते हैं नीचे का लुक वगैरह है। और इस तरफ पूरा सी बीच है, उसको भी देखेंगे आगे जाके। अभी टॉय ट्रेन भी है तो टॉय ट्रेन भी इंजॉय करते हैं। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल एंड यू कैन सी सामने पूरा बीच दिख रहा है, वहाँ पे भी जा सकते हैं बाय रोड। और इधर शिप वगैरह भी दिख रहा होगा आपको, थोड़ा धुंधला है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो मौसम है ना बदली बदली है, और पूरा समुद्र है इधर आगे, तो शिप वगैरह भी चलते रहते हैं, पोर्ट है इस वजह से। और अलग अलग जगह यहाँ पे व्यू पॉइंट बने हुए हैं समुद्र देखने के लिए। और इधर जाएंगे इस तरफ देखेंगे तो पूरा आपको विशाखापट्टनम दिखे। यहाँ पे ट्रेन में बैठ गए हैं तो विवेक उस तरफ बैठा है, उसको उधर का फुटेज लेना है। 80 रुपीज़ टिकट था पर पर्सन नॉन एसी, और एसी वाला जाओगे तो एसी की कोई ज़रूरत नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पे मौसम इतना अच्छा है कि एसी में वैसे भी बंद रहेगा क्या मतलब। उसका 110 रुपये टिकट था, अब परफेक्ट है क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर भी देख सकता हूँ, यहाँ पे अपना कैमरा भी निकाल सकता हूँ। अभी बस जैसे लग रहा है लेकिन देखो इधर लंबी ट्रेन है, मज़ा आएगा। चल पड़ी अपनी ट्रेन चल पड़ी। इतना गंदगी है लेकिन बाहर, बोलते हैं प्लास्टिक फ्री जोन बोलते हैं लेकिन प्लास्टिक फ्री जोन पूरी तरह से नहीं है, यहाँ पे प्लास्टिक फेंके हुए हैं, तो अवेयर हो यार थोड़ा सा। वो देखो बीच, ऑल दो ट्रेन स्लो चल रही है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। स्लो ही चलना चाहिए क्योंकि ज़्यादा फास्ट चलेगा ना तो फिर डीरेल हो सकता है क्योंकि लोड ज़्यादा है। और यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है देखो। शिमला में टॉय ट्रेन का मज़ा लेते हैं, सिलीगुड़ी के आगे दार्जिलिंग है वहाँ पे भी लेते हैं, कोयम्बटूर में भी लेते हैं, और ऊटी में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ का मज़ा अलग ही है क्योंकि ये हिल टॉप में ही गोल गोल घूमेगा ये ट्रेन। ये था भाई कैलाश गिरी का ट्रेन जर्नी, अब यहाँ से निकलते हैं और आगे जाते हैं कहीं और घूमने के लिए, है ना, चल रहे हैं। नाइस, वाह, इधर बहुत सारे मूवी की शूटिंग होती है बोलते हैं। एक कदम आगे फिर सीधा नीचे। वहाँ पे थे ना अपन टॉप पे, वहाँ से दिख रहा था जगह। इधर आ गए, ऋषिकोंडा बीच है, ऋषिकोंडा कुछ बोलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सबमरीन म्यूजियम। Victory at Sea 1971. आ चुके सबमरीन के पास, ये देखो पीछे इस तरह से है, यहाँ पे अंदर जाएंगे टिकट लगता है शायद, तो वहाँ तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है लेकिन अपन यहाँ पे शूट करेंगे। और यहाँ पे एयरक्राफ्ट म्यूजियम भी है सामने देख सकते हो, तो उसमें भी जाएंगे अपन। तो ये जो INS है, ये कुरसाना करके कुछ नाम है, जब बे ऑफ बंगाल में जब 1971 में पाकिस्तानी जो सबमरीन था उसको इसने उड़ाया था, परास्त किया था, 1971 में विक्ट्री हासिल की थी, इसलिए इसको अभी म्यूजियम की तरह बना दिया गया है। इसका एक मूवी आया था उसमें दिखाया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, मैंने देखा है उसको, मस्त लग रहा है यार, अंदर जाके देखते हैं। कुरसाना बोला था, एक्चुअली कुरसाना नहीं है ये है कुरसरा।
बाहर निकल गए हैं सबमरीन से और अंदर बहुत सारी जानकारी हमको मिली है। हमने शूट किया था कुछ कुछ फुटेज, बट उसको डिलीट करवा दिया। कुछ फुटेज होगा उसको दिखाऊंगा मैं सिनेमेटिक में। हाई प्रेशर एयर बॉटल, उधर शिप है सब, यहाँ पे कोस्टल गार्ड रहते हैं। बहुत हाई टेंशन वाला जगह है ये, इसलिए क्योंकि इधर पूरा सिटी है। इधर देखो जबरदस्त, एक ही जगह हर चीज मिल गया आपको, थल जल बल वायु, नाइस। बहुत अच्छा क्लीन क्लीन सिटी है। अभी एंट्री कर चुके हैं TU-142 म्यूजियम, VMRDA का है ये। यहाँ पर कैमरा अलाउ है इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर रिवॉल्यूशन दिखाया गया है इंडियन नेवी का। हम जहाज के अंदर आ चुके हैं, जहाज के अंदर ये सब चीजें हैं रखा हुआ है। नो फोटोग्राफी जोन है तो भाई फिर वहाँ पर डिलीट करा देंगे, आपको ये फुटेज भी नहीं मिल पाएगा। फायर फाइटिंग सिस्टम, ये इसका कॉकपिट भी है देखो, इतने बड़े बड़े ब्लेड रहते हैं देखो। कोई आ गए तो आराम से, आप देख सकते हैं इतना बड़ा एयरक्राफ्ट था जिसमें डबल ब्लेड वाले इंजन लगे हुए हैं। ये इधर तो चार चक्के हैं, उधर भी चार चक्के हैं, सामने सिर्फ दो चक्के हैं, मतलब ये 10 चक्कों पे ही माउंट है। इतना हैवी और काफ़ी लंबा था ये, अंदर हमने देखा है इतना महंगा महंगा इक्विपमेंट रहता है ये। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने आज देखा है रियल में, जाना पहचाना और इस तरह से कुछ दिख रहा होगा आपको। इंडिया में मैनुफैक्चर होते नहीं, रशिया जर्मन सब ब्रांड रहते हैं। इंडिया में मैनुफैक्चर होता है बहुत पुराना है और रशिया वगैरह से इंपोर्ट किया गया था इसको। आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जानकारी अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए भाई, एक बार अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर खाना खा कर मज़ा आ गया। ये माँ नेथी बिंदु करके एक स्पेशल थाली खाया, ज़बरदस्त था। और मसाला डोसा तो ऑसम था, पहली बार इतने दिन बाद असली वाला मसाला डोसा खाया हम लोग, पेट यहाँ यहाँ तक भर गया। अब तो चाहते सोते क्रैश होते हैं, फिर कल सुबह 4-5 बजे निकलना है अरकू वैली से जगदलपुर। मतलब अरकू वैली सुबह के टाइम में देखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठंडी नहीं मिलता है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि हम लोग मुश्किल लग रहा है सुबह उठना। देखते हैं क्या होता है, लेकिन निकलेंगे। तो कल मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। राइड सेफ, फॉलो योर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कैसे लगा आज? अरे एकदम यहाँ तक ले खा डरे होंगे, कहाँ बस ये दे ये दे ये दे मैं ले खाया हूँ अभी। राज किसका टाइम लग पहले हम दबा के मिलते हैं कल सुबह ना, एकदम धमाकेदार आपका वीडियो आने वाला है। यस, जबरदस्त, आग लग देगा, आग लग देगा। इतने दिन बाद ना मेरे को ओरिजिनल साउथ इंडिया का टेस्ट मिला, ऐसा लगा ओरिजिनल टेस्ट। Yes, Allah.